भारत वर्सेस अफगानिस्तान के तीसरे T20 के मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा, रिंकू सिंह और शिवम दुबे का आया तूफान। हरदीप सिंह ने कातिलाना विस्फोटक गेंदबाजी से मैदान पर मचाया कहर। अफगानिस्तान के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज हुए हैरान और घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज रोहित शर्मा, रिंकू सिंह और हरदीप सिंह के आगे पानी भरते हुए नजर आए। पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा कि किस तरीके से रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी और रिंकू सिंह, शिवम दुबे ने तो ऐसी घातक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि अफगानिस्तान को तीसरे T20 के मुकाबले में पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और इतनी घातक विस्फोटक से बल्लेबाजी की जहां पर अफगानिस्तान के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट अगर रोमांचक आप मुकाबला देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेज अफगानिस्तान के बीच जब टॉस उछाला गया तीसरे T20 के मुकाबले का, तो यहां पर भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और गेंदबाजी का मौका यहां पर अफगानिस्तान की टीम को दिया। जहां पर अफगानिस्तान के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए उतर गए और भारतीय टीम की तरफ से घातक विस्फोटक बल्लेबाज हिटमैन रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल सबसे पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। जहां पर पहले T20 के मुकाबले में 0 रन बनाकर के आउट हुए तो रोहित शर्मा दूसरे T20 के मुकाबले में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे, लेकिन तीसरे T20 के मुकाबले में इतने गुस्से में और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे कि अफगानिस्तान के गेंदबाजों के नाक में दम कर दी। अफगानिस्तान का घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाजों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहां पर हो क्या रहा है। रोहित शर्मा ने जो है इतनी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी की कि यहां पर यशस्वी जायसवाल ने भी बखूबी कप्तान रोहित शर्मा का साथ दिया और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर खूब कहर बरसाया और अफगानिस्तान के गेंदबाजों को जमकर धोया। ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज मैदान पर तबाही मचा रहे थे और अफगानिस्तान के गेंदबाजों की जमकर क्लास लगा रहे थे। अफगानिस्तान के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज इनके सामने पानी भरते हुए नजर आए, लेकिन भारतीय टीम को एक काफी बड़ा झटका लग गया चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर जब 38 रन बनाकर के आउट हुए यशस्वी जायसवाल। इस बार तीसरे T20 के मुकाबले में यशस्वी जायसवाल कोई खास अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने दो T20 के मुकाबले में अर्धशतक के ऊपर तक की पारी खेली थी। जहां पर अभी रोहित शर्मा मैदान पर डटे थे और इनका साथ देने के लिए मैदान पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज इंडिया टीम की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले आप सभी को बता दें कि विराट कोहली आ चुके थे। जहां पर विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी ने मुकाबले में ऐसा कहर बरसा दिया कि अफगानिस्तान की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा कर रख दी। आप सभी को बता दें कि विराट कोहली ने मैदान पर आते ही चौके छक्के से बात की और यहां पर साथ में 8वें ओवर में विराट कोहली ने 2 ओवरों के अंदर 50 रन ठोक डाले, यानी कि 2 ओवरों में अपना जो अर्धशतक पूरा कर लिया और हर एक ओवर में 25 रन ठोके। जहां पर रोहित शर्मा ने विराट कोहली की ऐसी घातक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर तालियां बजानी पूरे स्टेडियम में शुरू कर दी। विराट कोहली काफी आंधी भरी पानी भरी बल्लेबाजी कर रहे थे और इस मुकाबले को जीतने के लिए जीजान से बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि भारतीय टीम को तीसरा T20 का मुकाबला हर किसी हाल में जीतना था, क्योंकि यहां पर सीरीज में बिल्कुल 0 से अफगानिस्तान को हराना था और 2 मुकाबले पहले से ही भारतीय टीम जीत चुकी थी। जहां पर अफगानिस्तान के बल्लेबाज और गेंदबाज इस मुकाबले को किसी भी हाल में जीतना चाहते थे, क्योंकि वो 2 मुकाबले हारने के बाद काफी ज्यादा बेइज्जती महसूस कर रहे थे, जहां पर वो भी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से गेंदबाजी करा रहे थे। लेकिन यहां पर 12वें ओवर में भारतीय टीम को काफी बड़ा एक झटका लग गया जब हिटमैन रोहित शर्मा आप सभी को बता दें कि 110 रन की नाबाद पारी खेलकर आउट हुए। जब रोहित शर्मा आउट हो गए मैदान पर तो विराट कोहली का साथ देने के लिए मैदान पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज आ गए, लेकिन विराट कोहली अभी मैदान पर डटे थे और ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने भी काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की, लेकिन रोहित शर्मा ने तो आज रिकॉर्ड तोड़ दिया और 102 रन की नाबाद पारी खेल डाली। जहां पर रिंकू सिंह साथ देने के लिए विराट कोहली का मैदान पर आ गए, रिंकू सिंह और विराट कोहली की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। रिंकू सिंह को महेंद्र सिंह धोनी भी कहा जाता है, क्योंकि रिंकू सिंह महेंद्र सिंह धोनी की तरह तगड़े तगड़े शॉट खेलता है और काफ़ी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से चिल्ले में बल्लेबाजी करता है। रिंकू सिंह ने आते ही मैदान पर सनसनी सी मचा दी और 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ दिए, जहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और एक बार युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ डाला। रिंकू सिंह ने 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ दिए, जहां पर शतकीय पारी खेल चुके थे रोहित शर्मा ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि यहां पर पहले बल्लेबाजी चुनी और गेंदबाजी का मौका अफगानिस्तान की टीम को दिया। जहां पर विराट कोहली, रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ने कोई कसर नहीं छोड़ी अफगानिस्तान के गेंदबाजों को धोने में। लेकिन यहां पर जब भारतीय टीम को 15वें ओवर में काफी बड़ा झटका लग गया जब यहां पर विराट कोहली कैच आउट हो गए और रिंकू सिंह का साथ देने के लिए मैदान पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे आ गए। जब विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल और जब रोहित शर्मा आउट हुए तो यहां पर शिवम दुबे ने, और यहां पर मैं आप सभी को बता दूं कि घातक विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी करना शुरू किया और अफगानिस्तान की गेंदबाजों की जमकर फिर क्लास लगानी शुरू कर दी। अफगानिस्तान के गेंदबाजों को जमकर धोया इन बल्लेबाजों ने और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से यहां पर शिवम दुबे ने लास्ट में आकर के बिल्कुल 51 रन की नाबाद पारी खेल डाली और यहां पर रिंकू सिंह ने भी 86 रन ठोक दिए। जहां पर जायसवाल ने भी काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी की और हिटमैन रोहित शर्मा ने तो शतकीय पारी खेल डाली।
अब यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए अफगानिस्तान के घातक से घातक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर आए और काफ़ी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी करने लगे, क्योंकि अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को ये मुकाबला किसी भी हाल में जीतना था, तो वो ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन भारतीय टीम की तरफ से घातक विस्फोटक गेंदबाज हर्षदीप सिंह, आवेश खान, रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल ने ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से गेंदबाजी करना शुरू किया और अफगानिस्तान के बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। लेकिन अफगानिस्तान के दो घातक विस्फोटक बल्लेबाज ऐसे थे जो मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान से हटने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहे थे, जो ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से भारतीय गेंदबाजों के ऊपर खूब कहर बरसा रहे थे। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से गेंदबाजी कराई और 12वें ओवर तक उनको भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन एक और घातक विस्फोटक बल्लेबाज अफगानिस्तान की तरफ से आ गया, जहां पर उसने भी शतकीय पारी खेल डाली। अब एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान की झोली में जीत चली जाएगी और तीसरा टी20 का मुकाबला भारतीयों को हर एक हाल में जीतना था, जहां पर हर्षदीप सिंह ने अपना जो खुफिया दिमाग लगाया और उनको भी 16वें ओवर में पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जहां पर अब अफगानिस्तान को जीतने के लिए 2 ओवरों में 50 रनों की जरूरत थी, जहां पर ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान के बल्लेबाज इतने रन ठोक जाएंगे। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि हर्षदीप सिंह, आवेश खान, अक्षर पटेल ने कातिलाना विस्फोटक गेंदबाजी कराई, जहां पर शिवम दुबे एक ऑलराउंडर बल्लेबाज है जिसने बल्लेबाजी भी ताबड़तोड़ की और आखिरी ओवर में जो 25 रनों की जरूरत थी तो उसने दूसरी ही गेंद पर सभी को बोल्ड कर दिया, दो ही गेंदों पर, और लास्ट विकेट भी छिटका दिया, जहां पर भारतीय टीम ने ये तीसरा टी20 का मुकाबला अपने नाम किया और अफगानिस्तान के बल्लेबाज को और कप्तान को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम ने मुकाबला जीतने के बाद अफगानिस्तान के कप्तान ने भावुक होकर के भारतीय टीम के खिलाड़ियों के लिए काफी बड़े बयान दिए हैं और उन्होंने कहा कि भारतीय टीम काफी मजबूत टीम है। लाल अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।